आज इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया, कभी किसी पे अटैक किया जा रहा है? जैसे 4-5 दिन पहले केपीके में अटैक हुआ, कितने लोगों की जानें गईं, क्या समझते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि बीइंग पाकिस्तानी हमारे लिए तो आज एक बड़ा ब्लैक डे है। अच्छा, इसलिए नहीं कि खाली इमरान खान अरेस्ट हुआ है, क्योंकि ये जो आज़ादी है ना हमारी, उसके ऊपर एक डाका है। भी अगस्त का महीना। और मैं सर, मैं आज एक पोस्ट पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बचपन में हम कितने एक्साइटेड होते थे। आज दोस्त एक पोस्ट कर रहा है कि हम किस तरह से आज़ादी मनाएं, कि हमें तो लगता ही नहीं कि आज़ाद मुल्क में है। ऐसे ही है, ये चीज़ें देखें, सवाल तो उठते हैं, और ख़ास तौर पे हम बात करते हैं फिर कश्मीर की, कि कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे कश्मीर को। इस पर भी सुन लें, इस पर भी एक पोस्ट आई हुई थी कि हम जो 5 ये जो अगस्त कश्मीरियों के तौर पे मनाया इन्होंने, तो हम कश्मीरियों को कहता हूँ कि हमारे लिए कम अज़ कम दुआ जो है, दुआ भी करें और आवाज़ भी उठाएं हमारी आज़ादी के लिए। ठीक है, यानी आज हम कश्मीरियों को कह रहे हैं कि वो जो इंडिया साइड कश्मीर है, उन्हें कह रहे हैं कि हमारी आज़ादी के लिए दुआ करें। हाँ जी, ये नौबत आ गई है। हम लगता ही नहीं है कि ये हमारा मुल्क है और हम इसमें कोई आज़ाद हैं। जब फ्रीडम ना हो तो फिर आप इस मुल्क में उस तरह से लॉयल्टी भी नहीं पैदा कर सकते। और अभी ये वकील हैं, कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ये अगर ये बात कर रहे हैं कि फ्रीडम उस तरीके से नहीं है, जो आम पाकिस्तानी है जो एक इतना नॉलेज नहीं रखता, कानून को नहीं जानता, उसके लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं, ये बताएं। दूसरे कंट्रीज़ में अभी इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पर भी इलेक्शन आने वाले हैं, वो तो अपना इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं, ताकि वोट ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएँ, दोनों पार्टीज इस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कभी पकड़ दकड़ और कभी अटैक, फ़र्क है दोनों कंट्रीज में? असल में फ़र्क यहाँ पे और उनमें ये है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है और यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। ठीक है, अब वो बिला वास्ता हो या डायरेक्ट हो, जो वो है यहाँ पे डिक्टेटरशिप। ठीक है, यानी 75 साल से डेमोक्रेसी आपके, नहीं। आपको लगता है कि पता नहीं डेमोक्रेसी है नहीं है? ठीक है, आने वाले टाइम में कोई उम्मीद है, मतलब कुछ बेहतरी आ सके, कोई हम लोग यूथ जो उनसे हैं कुछ बेहतरी ला सकेंगे, ये ऐसा ही चलता रहेगा? और उम्मीद तो बिल्कुल है। ठीक है, और इससे कोई एक पॉलिटिशियन बताएं जिससे आपको उम्मीद हो। देखिए ना, खान साहब है ना, तो वो तो चले गए 3 साल के लिए जेल। नहीं, इससे हम कोई आज कह लें कि आज के दिन के लिए हम थोड़े मायूस हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला का कोई निज़ाम ख़त्म हो गया इंसाफ का। वैसे ये है कि नबी सल्लम फरमाया कि जो जुल्म का निज़ाम है ना, उस पर रियासतें कायम नहीं रहती हैं ज़्यादा देर के लिए। तो या तो ये इंसाफ होगा यहाँ पे, या ये निज़ाम कायम नहीं रहेगा, या फिर ये मतलब रियासत ही अल्लाह ना करे इस तरीके से। ये ऐसा होता है, हिस्ट्री हमें बताती है। एक तरफ हम इस्लाम की बात करते हैं, जब इस तरह की कोई बात करता है तो फिर हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो गलत बात कर रहा है। जब इस्लाम में ये कहा जा रहा है कि जुल्म अगर जहाँ पे होगा वो रियासत नहीं चल पाएगी, नहीं वो नहीं चलती है, तो फिर पाकिस्तान का निज़ाम तो चल सकता है हज़रत अली के बकौल जो है, लेकिन ये नाइंसाफी का, जुल्म का निज़ाम जो है वो नहीं चलता है। ठीक हो, वो ख़त्म होने वाला होता है और वो हो के ही रहता है। ठीक है, अब देखें ना, हिस्ट्री से हमें पता चला कि फिरौन जो है ना, वो कोई एक बंदे का नाम नहीं था, वो एक टाइटल था। ऐसे ही है। ठीक है, जैसे हमारे एक इधर टाइटल है आर्मी चीफ के तौर पे, अब कार दीजिएगा अगर नहीं लगा सकते। लेकिन नहीं, आपने किसी का नाम ना लें बस, ठीक है, अपनी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अच्छा, ये 1971 की बात करें, हम उससे भी नहीं सीख पा रहे? हमने वहाँ पे जो इतना बड़ा नुकसान किया, अपने पाकिस्तान का एक हिस्सा हमने अपने से जुदा कर दिया, नो डाउट आज वो हमारे से बहुत आगे हैं, लेकिन हम सीख नहीं पा रहे। वो असल में ना, वो जो बंगाली है ना, वो खुश होते होंगे हमें इस हालत में देख के, अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी हमारी दुआ सुनी है उस वक्त, कि हमें ना इस जो फौज से है वो आज़ादी मिल गई है। और वो देख लें उनकी जीडीपी और हमारी जीडीपी, ठीक है, उनका टका, उनका जो टका है वो 104-105 रुपए का, 400-500 टका हो तो डॉलर मिल जाता है, और हमें तो आप जेब में 350 भी रखें तो आपको डॉलर नहीं मिलेगा। डॉलर नहीं मिलेगा, अब देख लें ढूंढ के। ऐसे ही है, यही चीज़ें हैं। अच्छा लगा जी इनसे बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। और अभी जो नौजवान नस्ल है उनके चेहरे पर जो मायूसी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो वैसे तो अब एक खाली कागज़ों की एक छोटी सी किताब ही है, लेकिन वैसे अगर आप रेफर के तौर पर कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, आईन ये कहता है कि विद इन 60 डे वो इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन को करवाने का पाबंद है, और अगर वो किसी तरह से उससे पहले जो टेन्योर ख़त्म हो जाए तो 90 डेज़ का वो टाइम है। तो अभी देख लें कि आपकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो नहीं हुए। आपको कोई उम्मीद है कि आने वाले 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे? जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि मतलब एक बड़ी पार्टी तो वैसे ही अंदर ख़त्म हो गई, ये होते हुए नज़र तो नहीं आ रहे फिलहाल। ऐसे ही है, यही चीज़। और अगर लेट्स सपोज इलेक्शन होते भी हैं, वो किस तरह के होंगे ये भी सब समझते हैं कि मतलब जब कोई मुकाबले में अब लोग तो ही नहीं। जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं ना पाकिस्तान के, जो माया नाज किस्म के, अब नाम तो नहीं लूँगा, वो चैनल्स के ऊपर बैठ के ये लोगों का माइंड बिल्ट अप करना शुरू हो गया है कि हमें पता है जी किसकी गवर्नमेंट आनी है,
नाम ले रहे हैं उसका, किसकी आनी है हम, मुझे तो नहीं पता, मतलब किसके बारे में कह रहे हैं? अभी मैं एक प्रोग्राम, वो जो नई पार्टी बनी है उसका? नहीं 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 उसका तो नहीं, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें वो हामिद मीर साहब कह रहे थे इंटरव्यू लेने वाले को कि हमें भी पता है किसका आना है, अगली गवर्नमेंट किसने बनानी है, तो वो शहबाज शरीफ का नाम ले रहे थे। तो ये हमारे जो लोगों को ना एक मैसेज दिया जा रहा है कि भाई आप जो मर्जी कर लें, अब मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाएं, प्रिपेयर हो जाएं, यही अगले 5 साल जो है ना आपको खपाने के लिए तैयार है। ठीक हो गया, ऐसे ही अगर चलता रहा आने वाले 5 साल 10 साल बाद आपको नहीं लगता कि परेशानी? अभी पेट्रोल महंगा, अभी है रशिया से ऑयल आ रहा है फिर भी महंगा, इसके अलावा रशिया का ऑयल तो ना ही आए, उसने तो हमारा ऑयल निकाल दिया। मैं वही बात कर रहा हूँ, इतनी मुश्किलात अभी हैं, आने वाले टाइम में मजीद बढ़ सकती हैं? बिल्कुल बढ़ेंगी, अब ये कम होने का चांस ही नहीं है। अब ये असल में ना इनके अपने भी हाथ बस में नहीं है। ठीक हो गया, ये निकल चुकी है बात। तो फिर किसके हाथ में? अमेरिका के हाथ में, इसराइल के हाथ में, किसके हाथ में? नहीं, वो असल में कौम के हाथ में होती है अगर उनकी सुनी जाए। ठीक है सर, कौम के ऊपर होती है, कौम जिसके ऊपर ट्रस्ट करती है उसको आने ही नहीं दिया जा रहा। और आपको क्या लगता है कि उनको आने दिया जाएगा? वो कह रहे हैं जी मकबूलियत होना जरूरी नहीं, कबूलियत होना जरूरी है। और कबूलियत भी किसके थ्रू होना? अल्लाह ताला कबूल कर ले वो और बात है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला से नौज बिल्ला ये लफ्ज बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुफरिया भी कह सकते हैं कि इनका जेन यही है, इनका ये अल्लाह ताला के लेवल पे ये वो फ्रॉन जो मैंने आपको पहले बोला था ना वही लफ्ज आजकल इनके ऊपर। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, इमेज किसका खराब हो रहा है? पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। सर्वाइव तो यहाँ पे ये भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैंने शायद पहले भी आपको कहा था, वो डॉक्टर साहब अमेरिका के उधर पढ़े लिखे हैं, उधर ही प्रैक्टिस करते हैं, तो इधर आगे कौम के ना जज्बे के अंदर सर, अब वो जो आप अमेरिका से आए हैं, एक मिनट मुझे दीजिएगा, एक मिनट बस, एक मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे बताएं अमेरिका से आए किस शौक से इधर आए कि मतलब यहाँ पे आके मुल्क की खिदमत करेंगे, ये शौक से तो नहीं आए? नहीं, फैमिली कुछ इश्यूज थे और पाकिस्तान का भी एक तो क्यों नहीं ख्याल आता हर तो एक। अब ये दिल तो नहीं कर रहा वापस चले जाए? मैं तो हर वक्त यही सोचता हूँ अब चला ही जाए वापस, क्योंकि जो मेरी फार्मेसी है और इस तरह से है कि करप्शन किए बगैर हम उसमें सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, एक छोटा सा क्लरिकल स्टाफ से लेकर किसी भी पॉइंट तक जाने के लिए ना हमें करप्शन का मामला से गुजरना पड़ेगा। देखें ये लोग हैं जो बाहर से अगर आते हैं पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए, उनकी ये सूरत हाल है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, अच्छा लगा बात करके। अस्सलामुअलैकुम। आपका नाम? तलत अब्बास गिलानी। क्या करते हैं सर आप? अच्छा सर, मैं माइंड ब्रिज कॉल सेंटर है, वहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ 10-12 साल से। आईटी टेक मेरा फील्ड है। ठीक हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की अगर सिचुएशन की बात करें, आईटी के हवाले से बात करेंगे, जाहरी बात है आईटी तो पूरी दुनिया में इस टाइम जोन से है वो आईटी के ऊपर। अच्छा, मेरा अपना पर्सनल थोड़ा सा प्रॉपर्टी का जी तो ज़्यादा तो नहीं, और ये थोड़ा करेंसीज का, फॉरेक्स का, थोड़ा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है मेरा। तो मैं बस एक पॉइंट ऑफ व्यू बस डिस्कस करना चाह रहा था जो कि 100% है, मतलब जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है फॉरेक्स में, जितना मेरा करेंसीज में एक्सपीरियंस है, बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, इवन के मेरे रिलेटिव्स हैं जिनको मतलब मैं बहुत हेल्प कर चुका हूँ इस फील्ड में। बट जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है ना वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी और जो खान साहब, क्योंकि अंडरस्टूड बात है इमरान खान है, हम तो बिजनेस कर रहे हैं ना, हमारा किसी पॉलिटिकल से तो कोई कंसर्न नहीं, हमें बिजनेस करना है। बिल्कुल जबरदस्त। हमें अपनी बात को आगे लेके जाना है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना जी, ठीक है। अगर मैं ले मैन भी हूँ ना तो मुझे बिजनेस करना है, मुझे अपना फैमिली सर्कल चलाना है। बिल्कुल। अगर मेरे पास एम्प्लॉइज हैं तो मैंने उनका सर्कल चलाना है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरी है। अगर मैंने 2 बंदे हायर किया ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों नहीं हमारा अभी होने का लगा है? अभी जो होने जो लगा ना, जो मुझे नजर आ रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट हम इस फील्ड में हैं तो हमारा प्रेडिक्शन बड़ा अच्छा जा रहा है। अच्छा। क्योंकि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया को हेल्प कर रहा हूँ, फॉरेक्स में भी हेल्प कर रहा हूँ और फॉरेन करेंसीज में भी। हो ये रहा है और होने वाला है कि इमरान साहब, खान साहब गए थे तो 165-170 का डॉलर था, ये 312 को टच कर आया है, 293 का आज का रेट है। हमारा काम है, हमें पता है, ठीक है। इसने समहाउ ये रिवर्स प्रोपोर्शनेट चल रहा है, फॉरेन करेंसी डॉलर, खान साहब जो हमें नजर आ रहा है ना, हम तो मार्केट में देख रहे लोगों को, रिवर्स प्रोपोर्शनेट हमें लग रहा है कि डॉलर ना करके भी ये 325, ये 350 की जो ब्रैकेट है ना, जो हमारी फील्ड के तो लोग 400 प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ओहो, यानी आने वाले टाइम में डॉलर 400 का होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर ये हमारे लिए बड़ी हैरत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है कि दुनिया के दूसरे कंट्री जो उनसे हैं वो डॉलर पे, अगर नेबर की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, मैं बताता हूँ,
लोगों को विदाउट एनी नीड फजूल की बाइंग है, ठीक है। मतलब जब गवर्नमेंट का रूल एक निकला हुआ है, मैं रूल के मुताबिक बता रहा हूँ, जो लोग ब्लैक करके खरीद रहे हैं वो हमारा फील्ड नहीं है, हम उसमें किसी को एडवाइस नहीं कर रहे, हमारा काम नहीं है, हम उसको रॉन्ग एडवाइस तो नहीं करेंगे। बट ये है कि भाई अभी आजकल आईडी कार्ड पे लोग जो है हालांकि 800-900 डॉलर ले रहे हैं, कोई 2-3 हज़ार रियाल ले रहे हैं, ये एक सिचुएशन चल रही है। बट ये वो है जो सपोज आम और मैं जा रहे हैं, जो बिग फिश है ना, कंट्री का बिग फिश, बड़े बड़ी तादाद में डॉलर, बस आपने अंडरस्टैंड कर लिया ना, ऐसे ही है। मैंने आपको सारी बात बिग फिश में समझा दी है, ठीक हो गया। जो बिग फिश है ना, उन्होंने ह्यूज अमाउंट रिटेन की हुई है, और इसी वजह से शायद दिन ब दिन जो वैल्यू है पाकिस्तानी करेंसी की वो गिर रही है। कुछ ना भी आप करें ना, आप कुछ ना भी करें इस वक्त, तो ये जो अभी आ गई अनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का जो प्रॉब्लम होना चाहिए जी, स्टेबल होनी है, वो नहीं हो रहा, डिस्टेबलाइज हो रहे हैं हम। लास्ट में ये बता दें, आप भी मतलब बिजनेसमैन हैं और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, दुनिया के दूसरे कंट्री में इलेक्शन वगैरह आते हैं तो वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स लाने की बात करते हैं, यानी पब्लिक को वो अपने काम के जरिए अपनी तरफ लाने की। मेरी तो बड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई कोई भी आ जाए, बस देखो हम तो बिजनेस कर रहे हैं ना, हमें नहीं पास था, हम किसी एक के साथ बाइस्ड नहीं हो सकते, मुझे क्या पता कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलती है, मुझे क्या पता, ऐसे ही मैं उनके साथ फेयर अनफेयर का हम तो नहीं जिम्मेदार। हम ये कह रहे हैं कि हजरत हमने एक सिस्टम चलाना है, ठीक है, उस सिस्टम को कम से कम चलने दें, ऐसे ही है, पाकिस्तान को सबसे पहले, पाकिस्तान को कुछ ऐसा कर लो, डॉलर्स आपने लेने हैं, आप कोई सर्कल बनाना है, कोई डेट की जोर पे ना लो, या भाई किस तरह, इस तरह कुछ लो कि कंट्री स्टेबल हो, ठीक है। आपने बोला आईटी का काम करते हैं, मुझे बताएं आईटी के हवाले से पूरी दुनिया में इंडिया का एक नाम है, बड़े वहाँ के जो उनसे प्रोफेशनल्स हैं, माने जाते हैं, जाने जाते हैं, क्या समझते हैं उन्होंने कैसे आईटी को ग्रो किया, उन्होंने आप भी मैं बताता हूँ द मेजर प्रॉब्लम उनकी क्रेडिबिलिटी है। अच्छा, वो ऐसे ही नहीं बन गए, उनका स्टेक है ना, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनका स्टैंडर्ड है, हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइजेशन है, ये भी आप देख लेना। उन्होंने अपना, अगर इंडिया वालों ने स्टैंडर्ड बनाया, कैसे बनाया, ये तो नहीं है कि आज आपने कोई कंपनी खोली और उसका स्टैंडर्ड बन गया, आपने कोई सर्विस कंसिस्टेंट होकर काम किया ना, हमारी ये कंपनी है जहाँ पे हम एम्प्लॉई हैं, उसने कंसिस्टेंटली काम किया है, ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी है, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो बिग, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा कॉल सेंटर है, जानता हूँ मैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा वो वन ऑफ दी, समझ लो वो पूरे पाकिस्तान में टॉप 3 में होंगे। नहीं, मैं कंट्री वाइज बात कर रहा हूँ कि अगर नेबर कंट्री ने आईटी में अपना नाम किया और वहाँ पे स्टेबिलिटी है तो किस वजह से है? असल में वहाँ पे जो है ना, लोगों को ग्रूमिंग और लोगों की जो विजन है ना, वो हमारे लोगों के मुकाबले में बहुत बड़ा है, ठीक है। उनके पास ना एक दूसरा, उनका सिस्टम हमारे से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और उन्होंने सिस्टम को डिजिटलाइज किया है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है, कभी नहीं आपने देखा होगा कुछ होते, ठीक है, कोई टर्नओवर किसी ने खत्म होते देखा वहाँ पे, मतलब 5 ईयर टर्नओवर खत्म हो गया। और मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं ना, तो हम कोई चीज़ ये सोच के करते हैं यार ये आज मैंने पैसे लगाए हैं तो यार ये मेरे पैसे अल्लाह करे चलो 3 साल में ना मैं इसमें तो कुछ कर लूँ, ठीक हो गया, दो नंबरी से तो नहीं डबल हो जाना, हमने कुछ ऐसा तो नहीं कर लेना, लेकिन बंदे का बिजनेस करने बैठा ना, मैं भी बिजनेस करने बैठा हूँ, मेरे साथ अगर मेरी कुछ सेह है तो मेरे साथ 10 बंदे मिलकर बिजनेस करेंगे, चलो यार तुम्हारे नाम पे हम इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, और तो क्या होगा जब कंट्री में रॉन्ग प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, मेरा भी ट्रस्ट नहीं करेगा, मैं तो फंसूंगा, मेरे एडवाइस पे 10 बंदे और फंस जाएंगे, ऐसे ही है। और जैसे आपने बोला उनकी क्रेडिबिलिटी है, उन पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं हमारे नेबर कंट्री पे इंडिया पे, तो हमें भी उनके साथ मिलके आईटी में या दूसरी फील्ड में काम करना चाहिए। पहला काम तो ये है कि मेरे ख्याल से तो गुड रिलेशन डेवलप करना चाहिए तमाम कंट्रीज के साथ, ठीक है। अभी मैं बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, इंडिया प्रेपरेशन में है, उसको किसी की बैकिंग है, अंडरस्टूड बात है, उसको अमेरिका किसी और की भी बैकिंग है, सब भी पता है, सबको पता कौन सी बैकिंग है उसके पीछे, ठीक है। तो अब अंडरस्टूड बात है, ही दे हैव मनी, वो लड़ सकते हैं, ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है भाई, तो फिर हम सुलह नहीं लड़ना, फिर हम क्यों नहीं सुलह की तरफ जाते, हम क्यों नहीं जो टेररिज्म के, मैं ये कह रहा हूँ एक टेबल टॉक की जाए, ठीक है, आराम से उनके साथ डील की जाए, उनके साथ बैठ के टेबल टॉक की जाए, वो कहते हैं टेबल टॉक करें आज करें, लेकिन वो कहते हैं जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसके ऊपर कंट्रोल करें, इसे खत्म करें, जो यहाँ पे देखे ना अभी केपीके में जो अटैक हो गया, देखे मेरी बात इंडिया ने तो नहीं माननी, हाँ बिल्कुल ना मेरी माननी है, मैं एक नेशनल हूँ पाकिस्तान का, मैं तो पाकिस्तान के लीड करूंगा ना कि सर आप एक छोटा सा इनिशिएटिव ले, ये चीज आप इनिशिएटिव ले लेना, यही चीज है, मैं मेरी प्राइम मिनिस्टर जाके इनिशिएटिव ले ले, ऐसे ही इनकी बात कर ले, इनकी बात मेरे दिल को लगी है कि भाई देखें हमने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ही एडवाइस करनी है, उनसे ही रिक्वेस्ट करनी है, कुछ कह सकते हैं ना उनको, तो हम नहीं पुश बैक कर सकते, अपनों को तो कह सकते हैं यार राइट जाओ लेफ्ट ना जाओ लेफ्ट जाओ राइट ना जाओ, पाकिस्तान के लिए जाओ, जिधर भी इधर जाना ना इधर इनको ठीक करना ना, हमें इधर ठीक करना है, मुझे क्या लगे उनके घर में, क्या भाई उनके घर में ज्यादा फूड अवेलेबल है, उनके पास वो मर रहे हैं, उनको सलाब आ रहा है, भाई पहले अपना देख लो, ऐसे ही है। अगर हम ओके है ना
तो हम दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं बिल्कुल। और मेरी जो आजकल जो हमारी सिचुएशन है, हम तो हेल्प का सोच नहीं सकते, लेने का ही सोच सकते हैं, देने का नहीं। देखे ना, जो हमें पता चल रहा है जिस तरह बिजनेस का हमें समझ आ रही है, मैं इतना नहीं कह रहा, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैंने एक्सपीरियंस लिया है, हमने भी कई साल लगाए इस काम में, इवेंचुअली जो नजर आ रहा है वो कोई गुड न्यूज आगे नजर नहीं आ रही। ये जिस तरह सिचुएशन चल रही है, स्टॉकिंग बड़ी बड़ी है, अवाम ने मुझे जो नजर आता है नेक्स्ट अपकमिंग वीक में, जो आप देख लीजिएगा फॉरेन करेंसी के साथ क्या होता है, हम काम करते हैं, हमें पता है अच्छा। चढ़ना है उसने, फजूल का चढ़ना है ना यार, हमारे मतलब काम कर रहे हैं जो डॉलर के हवाले से काम कर रहे हैं वो बात ये देखें, उनका ये एक्सपीरियंस है, वो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में डॉलर मजीद महंगा होने वाला है, और ये चीज़ नजर आ रही है। जब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, अवाम में इत्माद नहीं रहेगा, तो डॉलर तो कीमत बढ़ेगी, इन्वेस्टर अपने पैसे रोक लेंगे। क्या होगा ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगा इम्पोर्टर को? हाँ हाँ, फिर वो एलसीज के प्रॉब्लम होंगे, ऐसे ही है, पैसे हमारे पास नहीं होंगे। एट द एंड प्रॉब्लम किसको होगा? पाकिस्तान को, मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉब्लम होगा, इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होगा, उसके आगे लेबर को प्रॉब्लम होगा, वो सैलरी नहीं देगा, स्ट्रक्चर रुक जाएगा, खाना रुक जाएगा, लोग फिर मरेंगे, ऐसे ही है। ये देखने में एक चीज है कि जी डॉलर महंगा हो गया, उसके पीछे पूरा सिस्टम है जो कि डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हमने अपना डिपेंडेंस ही डॉलर पे बनाई ना, ऐसे ही है। तो मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं, दूसरी गोल्ड रिजर्व हमारे पास नहीं थे, कोई ऑयल हमारे मुल्क से नहीं निकल रहा कि हम कहे जी डॉलर हमें जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ डॉलर। ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल से अगर डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए काम करने के लिए, मेरा ये एडवाइस है कि जी रॉन्ग बाइंग, ओवर बाइंग, मतलब कुछ भी कुछ ना करें, नेबर के साथ रिलेशन बेहतर, वो तो कंपलसरी बन गए इस वक्त, अब आपके लिए हमारे लिए कंपलसरी बन गए, हमने हमें जरूरत ही नहीं किसी के साथ प्रॉब्लम करने की, जबरदस्त प्रॉब्लम किस चीज का? अब हाँ, मतलब मैं अपने घर के चार अफराद हूँ, मैं हाँ। चाहूंगा यार कि मैं घर में सुकून से बैठ जाऊँ, हाँ। सिविलियन सुकून से बैठ जाए, और हमारी आर्म फोर्सेज जाके मुसीबत में पड़ जाए, अब भाई क्यों मसला?